दोस्तों आखिर वही हुआ जिसके पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। आपके अपने चैनल डी की खबर बिल्कुल सत्य साबित हुई है। चैनल डी ने ही सबसे पहले बताया था कि एलनाबाद के दिग्गज भाजपा नेता पवन बेनीवाल कभी भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं, और हुआ भी बिल्कुल ठीक वैसा ही। भाजपा नेता पवन बेनीवाल ने आज किसानों के समर्थन में भाजपा को छोड़ने की घोषणा करते हुए चैनल डी की खबरों पर अपनी पक्की मोहर लगा दी है। भाजपा नेता पवन बेनीवाल आज दोपहर 1 बजे अपने सैकड़ों साथियों के साथ सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने 3 कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई महीनों से पक्का मोर्चा लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें अपना समर्थन दे दिया और भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया। इस अवसर पर पवन बेनीवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों, कई गांव के सरपंचों और कई सामान्य कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा छोड़ने का ऐलान करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा को अपना समर्थन व्यक्त कर दिया है। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा व उनकी टीम के प्रदेश उपाध्यक्ष गुरदीप सिंह झीड़ी, जिला सिरसा के प्रधान लखा सिंह अलीका, जिला सिरसा के उप प्रधान नैब सिंह मल्लड़ी, जिला सचिव सुखजिंदर सिंह धर्मपुरा, बलकार सिंह जोश झंडाकला, जिला सिरसा की महिला प्रधान देवेंद्र कौर सुखचैन, जिला सिरसा प्रधान व फतेहाबाद प्रभारी कमलजीत कौर, सिरसा के प्रधान सुरजीत सिंह बेगू, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य जगजीत सिंह लहंगेवाला, जिला कार्यकारिणी सदस्य हरदीप सिंह लहंगेवाला ने पवन बेनीवाल का जोरदार स्वागत किया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पवन बेनीवाल और उनकी टीम के सैकड़ों सदस्यों को सिरों पे भेंट करके सम्मानित किए गए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करे कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, आज हमारे बीच में पक्का मोर्चा पर श्री बेनीवाल, पवन बेनीवाल जी जो बीजेपी पार्टी में थे और चेयरमैन भी ये रहे हैं इस पार्टी में, हरियाणा विकास निगम भंडारण, ये जो बीज भंडारण है इसके, और आज इन्होंने, इनकी पूरी जो टीम है एलनाबाद की कार्यकारिणी, जो इनके साथ थे बीजेपी के अंदर जो पदाधिकारी थे, सब ने किसानों के हक में 3 काले कानूनों के विरोध में बीजेपी के पीठ में नहीं छाती पे लात मार के हमारे बीच में आए। हम इनका स्वागत करते हैं। और इनके साथ वीरेंद्र सू चेयरमैन है, चोपता मंडल अध्यक्ष, इन्होंने भी इनके साथ बीजेपी को छोड़ा है, मंडल अध्यक्ष सुशील कंबोज, महामंत्री सुभाष निर्माण, महामंत्री कृष्ण ढिल्लो, महामंत्री कुलदीप ब्राड़, महामंत्री लखविंदर धारीवाल, महामंत्री किसान मोर्चा सतवीर सारण व ब्लॉक मेंबर, उपाध्यक्ष किसान मोर्चा जयवीर सोरान, महामंत्री किसान मोर्चा हरि सिंह कासनिया, सुरेंद्र सारण सरपंच शुक्र मंदोरी, विष्णु बिश्नोई सरपंच रूपाणा बिश्नोई, सुभाष सरपंच माकुसरानी, बलवीर सिंह ब्लॉक मेंबर, राजवीर मंडा चेयरमैन पैक्स काकदाना, गोपीराम ब्लॉक मेंबर, संजीव सिंह जिला अध्यक्ष, हरि सिंह तलवाड़िया उपाध्यक्ष अल्लाहाबाद, कुलदीप सिंह सरपंच चोरान, विनोद ढुकिया सरपंच मंबेरा, योगेश सरपंच, कृष्ण कुमार सरपंच रायपुरिया, इन सब ने इस बीजेपी सरकार जो किसानों के विरोधी है, जो किसानों के नहीं पूरे देश के गुलाम बनाने वाले जो कानून लेके आई है, इन कानूनों के खिलाफ किसानों के हक में इन सब ने इस पार्टी को छोड़कर
आज किसान आंदोलन के अंदर इनका समर्थन करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। हम इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये जिस तरीके से आंदोलन चला था, उसी टाइम संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया कि जो इन तीन काले कानूनों के पक्ष में है उन सब का बायकॉट किया जाएगा, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, और जो इन पार्टियों के साथ है, जेजेपी के है चाहे बीजेपी के साथ है, जो भी इस पार्टी को छोड़ के आंदोलन में आएंगे उन सबको गले लगाया जाएगा, उन सब का मान सम्मान किया जाएगा। तो आज ये हमारे बीच में पहुंचे हैं, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और संयुक्त मोर्चे की तरफ से हम इनका मान सम्मान यहाँ पे सिरसा के पक्का मोर्चा पे करेंगे, इसके बाद भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी इनका सबका मान सम्मान वहां भी करवाएंगे। इस अवसर पर पवन बेनीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इसलिए देश भर के लाखों किसान इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए पिछले कई महीनों से धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द आंदोलनकारी किसानों की बात सुनकर इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। पवन बेनीवाल ने कहा कि वे किसानों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जब भी और जहां भी उनकी ड्यूटी लगाएगा, वह और उनकी पूरी टीम हमेशा किसानों के हित में काम करते रहेंगे, और जब तक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, वे अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज इतने पक्का मोर्चा दे और ते जिन्नी मैनू खुशी महसूस हो रही है वो मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। सब तो पहला तो मैं प्रधान सिंह जी बारूखेड़ा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच, मैं संयुक्त मोर्चा सदस्य लखा सिंह जी जिला प्रधान, सुरजीत सिंह जी हलका प्रधान, हरजिंदर सिंह जी हलका राणिया, कमलजीत कौर जी बारू सरपंच खाजाखेड़ा तो, ते बलवंत सिंह जी, बाकी किसी का नाम रह गया तो माफी दो। ते मेरे नाल जिन्हें भी आए पिंड पिंड तो अलग अलग पिंड तो साथीगण, वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी या पदाधिकारीगण, बहुत ही कम समय से कल शाम नू साड़ी गल हुई सी भी असी पक्के मोर्चे ते पहुंचांगे, ते बहुत छोटे समय से इन्ने मेरे नाल तुसी सारे इकट्ठे हुए, मेरा हौसला बधाया, ते आपां इत्थे आके जिहड़े कि मैं समझदा भी बहुत लेट हो गए आना, तो सानू शायद पहला ही चाहिदा सीगा, ते दिल भी करदा सी, पर किसी कारणवश तुहानू पता है सौ मजबूरियां होंदी है, किसी पार्टी च फसे हुए सी, लेकिन फिर भी मैं तुहानू दसदा इत्थों साडे विच्चों ही बहुत सारे साथी अद्धे तो ज़्यादा इत्थों नहीं टिकरी बॉर्डर तक होके आए, तुसी हथ खड़े करके दिखाओ भी जिहड़े साडे नाल दे साथी साडे इत्थे तुहाडे उत्थे होके आए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ते मैनू बिल्कुल इस जे कहण च कोई अफसोस नहीं हैगा कि अज मैं भारतीय जनता पार्टी छड़ रहा, क्योंकि तीन जिहड़े काले कानून है इन्हां नूं वापस लेने चाहिए। अज 150 दिन हो गए, लगभग 150 दिन ही हो गए, 150 दिन हो गए साडे किसान साथी, लखां किसान साथी दिल्ली बार्डरां ते, भावें पंजाब च, भावें सरसा है, कोई टोल प्लाजा है, हरेक थां लखां बल्कि हजारों थां बैठे है, लखां दी तादाद च, ते किन्ने मेरे ख्याल 300-350 शहीद भी हो गए, उन्होंने भी जी भारतीय जनता पार्टी गौरमेंट है उन्होंने अफसोस नहीं है भी वो उन्होंने भी सुध बुध लैन। तो मैं बड़ा दुख होया हूँ जो पिछले 3-4 दिन चो गल चल रही थी भी ऑपरेशन क्लीन स्वीप करांगे, कुछ यहोजा अखबारों च पढ़ने च आया तो मैं बहुत महसूस होया भी हूँ किसान आ भी राइट नहीं रहा भी वह आपकी जी अंदोलन है शांतिपूर्वक अंदोलन है जोड़ा वह भी नहीं कर सकता, वह भी बलपूर्वक उठावे। तो सारे साथियों असी विचार विमर्श किया, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तो उब के अच्छ मैं तुम्हारे थोड़े बिच आया थोड़ा साथ देने विश्वास दवाना भी हमेशा थोड़े विचार रहे, जिनी भी मैं तो मेरी टीम है बहुत छोटे नोटिस लाए हैं, अज थोड़े आए हैं इन्ना मैं क्योंकि बिल्कुल बहुत घट टाइम सीगा, ते अगली बारी जो भी तुसी सदोगे कि हुण तां साडा आप दा काम रह गया, असी आप ही आवांगे, तुसी की सदना असी आप सदांगे, असी सदांगे हुण तां तुहानू असी तुहाडे विच रहांगे। ते बाकी
इस पार्टी के बहुत सवाल है, वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बह के फिर साथियों को देऊंगा। मेरे ख्याल इतने कहने वाले कोई फायदा नहीं है, बस आ साड़ी एक ही डिमांड हैगी भी ये तीनों काले कानून ये वापस होने चाहिए। ये साड़ी किसानू ते किसानी नू खत्म करने वाले कानून है, इन्हों शीघ्र तो शीघ्र सेंटर की सरकार या कोई भी जी हरियाणा की सरकार है सेंटर की सरकार है वो इन्हों वापस लैन तो सानू इतों आजादी मिले, असं भी अपने घर वापस जाइए अपने खेत का काम काज करिए। इन्ना ही कह के थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। दोस्तों, भाजपा की टिकट पर दो बार एलनाबाद विधानसभा से चुनाव लड़कर हरियाणा बीज विकास निगम जैसे प्रतिष्ठित पद के चेयरमैन रह चुके पवन बेनीवाल ने आज भाजपा को छोड़ दिया है, लेकिन अभी वे किस पार्टी में शामिल होकर एलनाबाद विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे इसके बारे में अपने पत्ते उन्होंने अभी नहीं खोले हैं। उन्होंने शीघ्र ही एलनाबाद आकर आगे की रणनीति का खुलासा करने की बात कही है, लेकिन जो भी हो एलनाबाद विधानसभा का उपचुनाव बहुत रोचक होने वाला है। अभी कई चुनावी समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन तब तक इन विधानसभा चुनावों से जुड़ी हर छोटी बड़ी लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।